हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। गर्मियों के मौसम में मैंगो मिल्क शेक पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है, खासकर ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए मैंगो मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। मैंगो शेक बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 पके हुए आम लिए हैं। इन्हें हम कट करके इनका पल्प स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे छीलकर छोटे छोटे क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से स्पून की हेल्प से मैंगो का सारा पल्प निकाल लूंगी। हमें मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए बिना रेसे वाले मैंगो का ही यूज करना चाहिए, तभी मैंगो मिल्क शेक अच्छा बनता है। तो मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 और 1/2 मैंगो का पल्प ही इसमें यूज किया है। ये देखिए पल्प यहाँ पर निकल चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतनी चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बादाम ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 1 गिलास के करीब ठंडा मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। इसे चेक करते हैं तो ये बहुत ही थिक हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 गिलास के करीब मिल्क और ऐड करूंगी और इसे ठंडा करने के लिए थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए मैंगो मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा बना है ये। अब मैं इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से गार्निश करूंगी। तो ये देखिए मैंगो मिल्क शेक बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।